नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और मैं हूं आपके साथ निशा। बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। भागलपुर के भोलानाथ पुल के ऊपर बनने वाले फ्लाईओवर निर्माण के दौरान पहुंच पथ निर्माण को मंजूरी देने की मांग को लेकर काफ़ी संख्या में संघर्ष समिति के कार्यकर्ताओं ने शाकचक पहुंचकर विराट जनसभा किया। इस दौरान कहलगांव विधायक पवन यादव ने भी शिरकत की और पूर्वी क्षेत्र के लोगों की मांग को जायज़ बताते हुए उन्होंने भोलानाथ पुल फ्लाईओवर ब्रिज निर्माण के दौरान उत्तर और दक्षिण क्षेत्र समेत पूर्व और पश्चिम क्षेत्र के लोगों की सुविधा को ध्यान में रखकर कार्य करने की बात कही। उन्होंने कहा कि इससे करीब दर्जनों गांव के 5 लाख से अधिक की आबादी वाले लोगों को सुविधा होगी। वहीं वहां मौजूद लोगों ने कहा कि उन सबों को इसकी खुशी है कि भोलानाथ पुल फ्लाईओवर ब्रिज बन रहा है, लेकिन इसमें अगर पहुंच पथ नहीं दिया गया तो पूर्वी क्षेत्र वालों के लिए फ्लाईओवर ब्रिज बनने का कोई फायदा नहीं होगा। इधर संस्थान के संयोजक प्रमोद कुमार सिंह ने कहा कि बिना पहुंच पथ के बने इस फ्लाईओवर ब्रिज को नहीं बनने दिया जाएगा और इसके लिए जरूरत पड़ने पर उग्र आंदोलन भी किया जाएगा। वहीं कहलगांव विधायक पवन यादव ने कहा कि फ्लाईओवर ब्रिज 137 करोड़ रुपये की लागत से बनाया जा रहा है और हर क्षेत्र के लोगों की सुविधा का ख्याल रखना आवश्यक है। साथ ही विधायक ने कहा कि वो इस बारे में केंद्र और राज्य सरकार से भी बात करेंगे कि थोड़ी बारिश होने के बाद कोई भी आदमी का आवागमन उस होकर करके नहीं हो पा रहा था। बिहार विधानसभा में क्वेश्चन उठाए सत्र के दरमियान में और 137 करोड़ रुपया का प्राकलन तैयार हो करके और इस पुल का निर्माण के लिए आगे प्रक्रिया जारी हो गया है, लेकिन उसमें प्रावधान क्या है कि हम सबों के यहाँ देखिए जनसंख्या बहुत है और आप चाहे चलिए कहलगांव से आइए, चाहे आप जीछो सरदे होकर के आइए, कहीं से भी आइए तो मेन एक ही रोड है। सबों का हुआ कि नहीं भाई, कम से कम भोलानाथ पुल जो फ्लाईओवर है इसमें इसाक चक की ओर आने के लिए हम सबों को एक अप्रोच रोड चाहिए उस पुल पर चढ़ने के लिए। दूसरा, इधर के लोग कैसे जाएंगे स्टेशन, उसके लिए डिक्सन रोड की ओर से भी पहुंच पथ की आवश्यकता है। या तो आप सबको विदित ही है, हम लोगों ने दोनों ओर पहुंच पथ के लिए इसाक चक और डिक्सन रोड की ओर पहुंच पथ के लिए अभी तक लड़ाई लड़ी है, लेकिन अभी तक कुछ कार्रवाई दिखाई नहीं पड़ रही है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि बिना ये पहुँच पथ लिए हम यह फ्लाईओवर नहीं बनने देंगे, चाहे इसके लिए हमको जो करना पड़े। यह पूरा पूर्वी क्षेत्र इसके लिए तैयार है और सरकार अगर इसका आदेश नहीं देती है तो वह बैठे बिठाए एक संघर्ष को आमंत्रण दे रही है। बांका के बाराहाट थाना क्षेत्र अंतर्गत भागलपुर हंसडिया मुख्य मार्ग पर लीलावनन गांव के समीप पाम ऑयल से भरा टैंकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसके कारण टैंकर चालक करीब आधे घंटे तक उसमें फंसा रहा। वहीं इस घटना के बाद वहां पहुंचे लोगों ने टैंकर से पाम ऑयल की लूट शुरू कर दी। वहीं काफी प्रयास के बाद टैंकर की खिड़की का शीशा तोड़कर चालक किसी तरह से बाहर निकला, लेकिन इस बीच दुर्घटनाग्रस्त टैंकर में मौजूद पाम ऑयल का रिसाव होने लगा, जिसका फायदा उठाकर आसपास के लोगों ने टैंकर से रिस रहे पाम ऑयल को तेल समझकर लूटना शुरू कर दिया। इस दौरान अधिक मात्रा में तेल लूटने के लिए कुछ लोगों ने टैंकर में छेद कर दिया, जिससे काफ़ी मात्रा में केमिकल का टैंकर से रिसाव होने लगा, जबकि लूटने की होड़ में लोगों की आपस में झड़प भी हो गई। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि एक बाइक सवार को बचाने के दौरान टैंकर असंतुलित होकर पलट गया, जिसके बाद वहाँ लोगों की भीड़ जुट गई। वहीं घटना की सूचना मिलते ही बाराहाट पुलिस मौके पर पहुंची और वहां से लोगों को खदेड़ कर भगाया, जिसके बाद पुलिस ने टैंकर से हो रहे रिसाव को भी बंद करने का प्रयास किया। इसको लेकर थानाध्यक्ष सतीश कुमार ने कहा कि दुर्घटनाग्रस्त टैंकर की सुरक्षा के लिए चौकीदार की नियुक्ति मौके पर की गई है। टैंकर चालक अफसल का कहना है कि वो बंगाल से पाम ऑयल भरे टैंकर को नेपाल ले जा रहा था, लेकिन बीच में लीलावरण के समीप वह दुर्घटना का शिकार हो गया। क्या कहते हैं इसको, पाम ऑयल तेल, इसको साबुन का तेल है। ये कहाँ से आ रहा है गाड़ी? कलकत्ता से आ रहा है। कहाँ जा रहा था? नेपाल। नेपाल जा रहा था। यहाँ ब्रेक मारा ना, गाड़ी अनबैलेंस हो गई, गाड़ी दाहिने खींच ली। अच्छा, गाड़ी खींच लिया। तो आप कितने देर गाड़ी में फंसे रहे? गाड़ी पलटा था मोटामोटी 20 मिनट तक, 20 मिनट बाद सीधा पड़ गया। कोई नहीं निकाला? नहीं। सब लोग क्या कर रहा था? तेल निकाल रहा था, लेकिन आपको निकाला कोई नहीं। भागलपुर कचहरी चौक पर बने 1-way ट्रैफिक के रूल को
तोड़ते हुए बरारी थाना की गश्ती गाड़ी गुजरने लगी। तभी यातायात प्रभारी अरुण पासवान द्वारा उसे रोकने की कोशिश की गई, लेकिन बरारी थाना की पुलिस नजरअंदाज करके गाड़ी को और तेज करके चलते बन रही थी। तभी अचानक उसका डायनेमो खराब हो गया, जिसके कारण ब्रेक भी फेल हो गई। वह इस घटना से बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन अचानक पुलिस की गाड़ी के सामने टोटो रिक्शा आ गया, जिससे कि गाड़ी टोटो में जा लगी और टोटो रिक्शा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। बता दें कि भागलपुर में कई जगहों पर वनवे ट्रैफिक रूल बनाया गया है, जिससे कि जाम की समस्या से निजात मिल सके और इस वनवे के रूल का पालन सभी को करना आवश्यक है। लेकिन पुलिस की हरकतों से सहज अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये वनवे रूल सिर्फ आम जनता के लिए ही बना है। वहीं वनवे रूल्स का पालन नहीं करने को लेकर यातायात पुलिस और बरारी थाना पुलिस में काफी देर तक बहस हुई, जबकि बरारी थाना की पुलिस को इस घटना के बाद जरा भी शर्मिंदगी नहीं हुई। हालांकि पुलिस की गाड़ी का ब्रेक फेल होने की वजह से कोई भी बड़ा हादसा हो सकता था, जबकि बरारी पुलिस उल्टे यातायात पुलिस बल को ही जमकर लताड़ते दिखे। बड़ा सवाल यह है कि पुलिस ही पुलिस आपस में लड़ रही है तो आम जनता का क्या होगा। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में रविवार को कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल के निर्देश अनुसार विश्वविद्यालय की सारी इकाई खुली रही, जबकि रविवार का दिन छुट्टी का दिन होता है। रविवार को सभी स्कूल कॉलेज और सरकारी दफ्तर बंद रहते हैं, लेकिन आज विश्वविद्यालय में रोज की तरह काम काज जारी रहा। गौरतलब हो कि पूर्व में दिए अवकाश का समायोजन करने के साथ वित्तीय समिति, विद्युत परिषद एवं अभिषद की आगामी बैठक को देखते हुए विश्वविद्यालय कार्यालय से संबंधित सभी इकाई, स्नातकोत्तर विभाग एवं सभी अभिभूत महाविद्यालय खुले रहे। सभी विभागों के कार्यालय में कार्य हुए एवं सभी महाविद्यालयों में कक्षाएं भी संचालित हुई। हालांकि कक्षाओं में छात्र छात्राओं की उपस्थिति कम देखी गई, लेकिन विश्वविद्यालय के लगभग सभी पदाधिकारी, कर्मी एवं शिक्षक उपस्थित रहे। वहीं इसको लेकर विश्वविद्यालय के कुलसचिव डॉक्टर गिरिजेश नंदन कुमार ने बताया कि पूर्व के दिनों में 22 अक्टूबर को शनिवार को अवकाश दिया गया था, जिसकी पूर्ति करने के लिए रविवार को कुलपति के आदेश अनुसार विश्वविद्यालय को खोला गया है। साथ ही कहा कि प्रशासनिक भवन के कार्यालयों में कई कार्य पेंडिंग है, जिसके कारण छात्र छात्राओं की पढ़ाई बाधित हुई। आज रविवार को जो हम विश्वविद्यालय VC महोदय के आदेशानुसार जो खोलने का निर्णय लिए, उसके पीछे दो तीन महत्वपूर्ण कारण हैं। पहला तो है कि कुछ हमारा जो सिंडिकेट की बैठक है, तो उस बैठक में जाने के पहले हमको जो तैयारी करनी पड़ती है, तो उस तैयारी के लिए भी हम कुछ हमारा कुछ ऐसा वर्क रह गया जिसमें हमारी तैयारी नहीं थी, उसको हमको तैयार करना है। दूसरा, हम छुट्टी अवेल किए थे कर्मचारी के आग्रह पर, VC साहब ने जो छुट्टी दिया था, तो उसकी क्षतिपूर्ति भी हमको करने हेतु विश्वविद्यालय खोलना पड़ा। कुछ क्लास वगैरह भी कुछ ऐसा था जो पीछे चल रहा था, उसके लिए भी हमने एक दिन का समय दिया, जो कि आप कहीं अगर कोई कोर्स कम हो गया, कोई नहीं पूरा हुआ है, तो उसकी क्षतिपूर्ति भी हो जाए, ताकि विद्यार्थियों को कुछ फ़ायदा हो जाए। अमरपुर थाना क्षेत्र स्थित पवई गांव के पहाड़ के समीप एक व्यक्ति पर किसी युवक द्वारा चाकू से हमला कर उसको घायल कर दिया गया। हमला करने के दौरान व्यक्ति जोर जोर से चिल्लाने लगा, जिसकी आवाज़ सुनकर आसपास के ग्रामीण पहाड़ के समीप पहुंचे। वहीं ग्रामीणों के घटनास्थल पर पहुंचने से पहले हमलावर युवक मौके से फरार हो चुका था, जबकि युवक बेहोशी की अवस्था में जमीन पर खून से लथपथ पड़ा था। इसके बाद ग्रामीणों द्वारा जख्मी युवक को रेफरल अस्पताल अमरपुर पहुँचाया गया, जहाँ उसका प्राथमिक उपचार कर गंभीर हालत में माइग्रेन अस्पताल रेफर कर दिया गया। वहीं घायल युवक की पहचान वासुदेवपुर निवासी रामप्रीत शर्मा का पुत्र जयनारायण शर्मा के रूप में हुई है। घायल युवक ने बताया कि वह किसी काम से सजौर थाना क्षेत्र से अमरपुर थाना की ओर जा रहा था, तभी रास्ते में घात लगाए कुछ अपराधी ने पकड़कर उस पर चाकू से प्रहार कर दिया। हालांकि उसने अपने आप को बचाने की काफी कोशिश की, लेकिन अपराधी हमला कर वहां से फरार हो गए। अब वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे, देखते रहिए सिल्क TV। ज्योति नर्सिंग होम नाथनगर में स्त्री रोग एवं जनरल सर्जरी आयुष्मान भारत के तहत सब सारे लाभार्थियों का निशुल्क दूरबीन एवं जनरल सर्जरी की सुविधा उपलब्ध है। मैं डॉक्टर अन्वेषा स्त्री रोग विशेषज्ञ हूँ, साथ में लैप्रोस्कोपिक एवं रोबोटिक सर्जरी। कुछ दिन घर के बाहर घर जैसा एहसास चाहिए तो चिंता क्या है। पिछले 20 साल से होटल अपोलो एंड टूर्स प्राइवेट लिमिटेड आपकी सेवा में है।
यहाँ स्टैंडर्ड प्रीमियम और क्लासिक रूम्स विद मॉडर्न इक्विपमेंट्स और साथ ही इंडियन कॉन्टिनेंटल और चाइनीज खाने का लुत्फ उठाएं हमारे मिनर्वा रेस्टोरेंट में। कोई भी समारोह या कॉन्फ्रेंस के लिए बैंकेट हॉल की भी सुविधाएं उपलब्ध है, तो जरूर आए होटल अपोलो एंड टूर्स प्राइवेट लिमिटेड, मल्लागुड़ी, सिलीगुड़ी। होटल अपोलो, हियर एवरी क्यूबिक स्पेस इज अ मिरेकल। ब्रेक के बाद फिर से एक बार आपका स्वागत है, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सिलीगुड़ी के रानी डंगा स्थित एसएसपी कैंप के समीप नॉर्थ पॉइंट रेसिडेंशियल स्कूल में रविवार को मल्टीडिसिप्लिनरी एग्जीबिशन का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सिलीगुड़ी कदम तल्ला के वीएसएफ डीआईजी एमपी सिंह ने किया। बता दें कि सीबीएसई से एफिलिएटेड 10+2 बोर्डिंग कम डे स्कूल में आयोजित कार्यक्रम में छात्र छात्राओं द्वारा तैयार किए गए मॉडल की प्रदर्शनी लगाई गई, जिसे देखकर लोगों ने भरपूर प्रशंसा की और छात्रों के साथ स्कूल प्रबंधन के प्रयासों की सराहना की। वहीं मुख्य अतिथि एमपी सिंह समेत कई अतिथियों ने स्कूल के डायरेक्टर और पूरी टीम को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि सिलीगुड़ी एनपीआर स्कूल आने वाले दिनों में नई ऊंचाई की ओर बढ़ेगा और यहां के छात्रों को भी इसका लाभ मिलेगा, जिससे बच्चे अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ सकेंगे। इस दौरान छात्र छात्राओं ने कई कार्यक्रम प्रस्तुत किए, जबकि अतिथियों का स्वागत स्कूल प्रबंधन के पदाधिकारी और शिक्षकों द्वारा किया गया। नालंदा के लहरी थाना क्षेत्र अंतर्गत पीर पहाड़ी क्षेत्र के एक मकान में बड़ी घटना को अंजाम देने के उद्देश्य से जमा हुए हथियार से लैस कुछ अपराधियों की गुप्त सूचना मिलते ही नालंदा लहरी थाना पुलिस ने विशेष टीम के साथ मौके पर पहुंचकर मकान की घेराबंदी की और मौके से लोडेड हथियार एवं अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि लहरी थाना अध्यक्ष ने सूचना मिलते ही इसकी जानकारी वरीय पदाधिकारी को दी, जिसके बाद नालंदा एसपी के निर्देश पर थानाध्यक्ष के नेतृत्व में जिला आसूचना इकाई के पदाधिकारी एवं कर्मियों की एक विशेष टीम गठित कर कार्यवाही शुरू करते हुए पीर पहाड़ी क्षेत्र स्थित सत्येंद्र पंडित के मकान की घेराबंदी की गई। वहीं इसको लेकर डीएसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि छापेमारी में पुलिस ने अंतर जिला गिरोह के 8 अपराध कर्मियों को लोडेड हथियार, 8 जिंदा कारतूस, 5 मोबाइल औजार और चोरी के 2 मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार अंतर जिला गिरोह के अपराधियों का आपराधिक इतिहास बताया जा रहा है, जबकि पुलिस की सक्रियता के कारण बड़ी घटना को टाल दिया गया। पुलिस की इस कार्रवाई से जो है एक बड़ी घटना को अंजाम देने से पूर्व ही इन लोगों को हिरासत में लिया गया है। इन लोगों से गहराई से पूछताछ कर हम लोग अग्रिम कार्रवाई कर। कहां पर ये लोग फिरार में लगे हुए थे सर? इन लहरी थाना क्षेत्र के पीर पहाड़ी एरिया में है एक सत्येंद्र पंडित जी हैं, उनके मकान में लोग जमा हुए थे। पुलिस को सूचना मिली, घेराबंदी कर कार्रवाई की। सर कितने गिरफ्तार है, क्या क्या बरामद हुआ सर? कुल इसमें 8 लोग हैं, जिसमें 5 विधि विरुद्ध हैं और 3 देसी पिस्तौल, 8 जिंदा गोली, चोरी का 2 मोटरसाइकिल, ताला तोड़ने और काटने वाले औजार, मोबाइल सेट की बरामदगी हुई। शिवहर में प्रशासन के द्वारा नशा मुक्त बिहार अभियान के तहत मिनी मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। रविवार की सुबह शिवहर डीएम मुकुल गुप्ता और एसपी अनंत कुमार ने संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर इस दौड़ को रवाना किया, जिसमें स्कूली बच्चों ने शामिल होकर लोगों को नशा मुक्त बिहार बनाने को लेकर संदेश दिया। जबकि इस दौरान मैराथन दौड़ में शामिल सदस्यों और बच्चों को परिवार, समाज या आसपास में लोगों को प्रशासन द्वारा जागरूक करने की भी बात कही गई। इसके अलावा दौड़ में शामिल होकर प्रथम स्थान से 10 स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों के बीच पुरस्कार वितरण किया गया। जन अधिकार पार्टी के संस्थापक एवं पूर्व सांसद पप्पू यादव नेताओं के खिलाफ दिए गए अपने विवादित बयान को लेकर एक बार फिर से चर्चा में है। दरअसल पूर्णिया में रविवार को पूर्व सांसद पप्पू यादव ने नेताओं की तुलना सांप से करते हुए कहा कि एक तरफ नाक और दूसरी तरफ कोई नेता खड़ा हो तो पहले नेता को पीटना चाहिए, क्योंकि सभी नेता चोर है जो भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं। पप्पू यादव ने कहा कि नेता से बड़ा कोई दूसरा दलाल नहीं होता है और सभी नेता पूंजीपति के दलाल है, इसलिए अगर सजा देनी हो तो अधिकारियों को देने से पहले नेताओं को देनी चाहिए, जिसके कारण भ्रष्टाचार हो रहा है। वहीं जाप नेता पप्पू यादव के इस बयान के बाद सियासी हलके में बवाल मचना तय माना जा रहा है, जिससे आने वाले दिनों में जुबानी जंग भी और तेज होने के आसार है। लोकसभा और विधानसभा पीएम से लेकर सीएम तक दीजिए, हम लोग टाटा, अदानी, अंबानी, पूंजीपति के सबसे बड़े दलाल हैं। नेता से बड़ा दलाल कोई होता ही नहीं है। भ्रष्टाचार, सिविल सर्जन 20 लाख रुपया में पोस्टिंग कराएगा तो पैसा नहीं कमाएगा, खाइएगा, रोपिएगा बबूल, खाइएगा खजूर,
सीओ का पोस्टिंग होगा 5 लाख में, पैसा नहीं कमाएगा, खाली सीओ और सिविल सर्जन को गरियाइए। सिविल सर्जन ही पैसा सिर्फ कमाया है, उसमें सब लोगों ने बंटवारा नहीं किया। क्यों मंत्री और सबकी इंक्वायरी नहीं होती है? जेल जाए तो सब जाए, सब बराबर के हिस्सेदार हैं। जमीन माफिया नेता, बालू माफिया नेता, सिंडिकेट चलाता है दरोगा, इंस्पेक्टर, डीएसपी, सबके पैसे बंद है। गाली दो सिविल सर्जन, सिविल सर्जन नेता को चमचागिरी करेंगे। अगर बत्ती आएंगे मेरे जात का नेता मर्डर करके हो मेरा जात, गाली दे के हो मेरा जात, मार के हो मेरा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।